आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। जिले में दो दिन पूर्व हुए रामकुमार हत्याकांड का संग्रामपुर पुलिस और एसओजी टीम ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। सोमवार को पुलिस ने दो हत्या आरोपियों को दो अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। हत्या आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हम लोग शराब पीने के बाद रामकुमार यादव की दुकान पर सिगरेट लेने गए थे। 8 रुपए की सिगरेट ना देने पर हम लोगों का विवाद हो गया। संदीप ने रामकुमार को डंडे से मारा जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। तभी संदीप ने रामकुमार का गला दबा दिया और अमन सरोज ने पैर पकड़ लिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। सीओ अर्पित कपूर ने बताया कि अपराध और अपराधियों को धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया था। एसओ संग्रामपुर अंगद सिंह व एसओजी प्रभारी धीरेंद्र कुमार वर्मा एक साथ चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को धनापुर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछने पर एक ने अपना नाम संदीप पुत्र श्यामलाल निवासी बरतली थाना संग्रामपुर और दूसरे ने अपना नाम अमन सरोज पुत्र रामलाल निवासी बरतली थाना संग्रामपुर बताया। संदीप के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक कारतूस 315 बोर व अमन सरोज के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अक्टूबर को मृतक के बेटे अरविंद कुमार यादव ने थाने पर लिखित तहरीर दी थी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पिता राम कुमार की हत्या कर दी गई है, जिस संबंध में थाना संग्रामपुर में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही थी। पकड़े जाने के बाद आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 8 रुपए की सिगरेट नहीं देने पर उन दोनों ने राम कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद शव को दुकान के बाहर तख्त पर उल्टा लिटा दिया और वहां से चले गए और उसके बाद सियासी गहमागहमी अब थमती नजर आ रही है। घटना के 24 घंटे के भीतर यूपी सरकार ने प्रभावित किसानों को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा और घटना की न्यायिक जाँच का आदेश दे दिया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।